करना है, इतिहास को हरना है तो निज दोष को हरो, क्योंकि नारी का हरण करना आप जैसे महान योद्धा महान राजा के लिए उचित नहीं। और करना है तो कोई शुभ कार्य करे, चोरी का करना कोई ठीक बात नहीं। पराई नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है, इसलिए हे महाराज अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश आ जाता है। पर नारी घर में लाने से घर का मूल विनाश हो जाता है। मैं आपको परम हितैषी के नाम से, आप मेरे महाराज हैं, मैं आपका मामा हूँ, इसलिए मैं आपको परम हितैषी के नाते उचित राय दे रहा हूँ कि आपके हृदय में जो ऐसा विचार आया है इसे त्याग दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। त्रिलोक विजयी रावण को गुरु की बात उपदेश देता है। अगर राम साधारण मानव ही तो क्या त्रिलोक विजयी रावण साधारण पुरुष है, जिसके भय से भय भी मैं बीत होता है, जिसका काल भाष है, जिसके भ्रू की मात्र टेढ़ी होने से सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, जिसके चलने से पृथ्वी पतंगे की बात हिलने लगती है, उस त्रिलोक विजयी रावण को तू गुरु की भांति उपदेश दे रहा है। हे मामा मारी, हे मामा मारी, हे तो हम भूतियो नाश भूतो भविष्य थे, उस त्रिलोक विजयी रावण को तू भय दिखा रहा है। हे मामा मारी, सर्व खमिंद ब्रह्म है तो, सर्व खमिंद ब्रह्म है तो फिर झूठा सारा नाता है, किसको ज्ञान सिखाता है, मुझसे बकवास करता है, यही साथ देगा मेरा, यही साथ देगा मेरा तो सारी शान भुला दूंगा, सीताओं के हरने से पहले यमपुरी महाराज। हे मामा मारी, सीता को हरू जाना है, मेरे कार्य करने से इनकार करता है तो मेरे हाथ से तेरी मृत्यु निश्चित है, जान लो कि मेरा कार्य पूर्ण करना है या मेरे हाथ से मरना है, वो तुम स्वीकार करो। मारी परिस्थिति में मैं महाराज के विपरीत जाता हूं,